आज हम वैदिक गणित में द्विजांग विधि के द्वारा भाग करना सीखेंगे। ठीक है चलिए चलिए साथियों, आज हम सीधे ही सवाल पे चलते हैं, अपना द्विजांग विधि से भाग करना। आप जिस प्रकार पर्यावर्ती में और निखिलम विधि में तीन खंड बनाते हैं, वैसे ही आप तीन खंड बनाएंगे। यहां पर देखिए आप, दो चीज है हमें भाग देना 112 का। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं, 11 की घात 2। ये जो आपका ऊपर है वो आपका द्विजांग कहलाता है, और नीचे जो आधार है इसको आधार कहते हैं। आधार को हम मुख्यांश मुख्यांक के नाम से जानते हैं। इसको हम यहां पर इस प्रकार से लिख देते हैं। इसके बाद अपने पास ये आपका भाज्य है। अब इसमें ये आता है कि इस खंड में कितनी संख्या लिखे। आपके यहां पर द्विजांग के अंदर जितने अंक है उतने ही संख्या आपको इधर लिखनी है, बाकी संख्या आपको इस निचले मध्य खंड के अंदर लिखना है। ठीक है दोस्तों, ये द्विजांग आपका 2 है यानी एक अंक है, तो इस तीसरे खंड के अंदर एक अंक ही रखना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप यहां एक लाइन खींच देंगे, और आप क्या करेंगे, यहां पर ये जो बचता आपके पास आधार में आपका कितना है, 11 है। कितना है दोस्तों, 11। 11 का हम क्या करते हैं, 4 भाग देते नहीं जाता है, इस 45 के अंदर भाग देते हैं। इसके कितने में, 45 के अंदर भाग देते हैं, तो अपने पास भाग जाएगा। देखिए 45 में भाग देंगे हम तो 4 बार भाग जाता है, 11 का भाग दे 4 बार, 11 चौक 44। ठीक है दोस्तों, एक शेषफल बचा, ये 4 आप यहां लिखेंगे, और शेषफल आपका जो है ये यहां एक 3 से पहले लिखते हैं, और अपने पास नया भाज्य जो है आपका 1 और 3 13। ठीक है ना, ये 13 लिखा। उसके बाद हमें क्या करना है, इस 4 को जो भागफल आया है उसको इस द्विजांग 2 से गुणा करना है, और यहां माइनस करना है, 2 × 4 यानी 13 − 8 = 5। ठीक है दोस्तों, अब इस 5 के अंदर हमें इस 11 का भाग देता है। किस क्या करना है दोस्तों, इस 5 के अंदर, ये नया भाज्य है, क्या है ये आपका नया भाज्य है, इस 5 के अंदर 11 का भाग देंगे, तो 5 छोटी संख्या है तो आपके पास 0 बार भाग जाएगा, और इसमें से इस 5 में से हम 0 घटाएंगे, अपने पास क्या है शेषफल 5, और इस 5 को हम यहां लिखेंगे इस 2 के आगे तीसरे खंड के अंदर, और इस प्रकार हमारे पास यहां बच गया 52, और ये आपके पास इधर भागफल आ गया, और ये आपके पास शेष भागफल तो 40 हो गया, और शेषफल आपका 52 हो गया। ये अपना सवाल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अपना ये सवाल है, 1234 में आपको 42 का भाग देना। आप क्या करेंगे, सीधे से 3 खंड बनाएंगे। ठीक है, 42 को इस प्रकार से लिखते हैं, ये आपका द्विजांग है और ये आपका मुख्यांक। ठीक है दोस्तों, इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे। आपके पास ध्वजांक में एक अंक है तो आपका यहां से एक अंक इधर चला जाएगा, बाकी 2 अंक इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और यहां हम इस प्रकार से लाइन खींच देंगे। अब हम इसमें एक भाग देता है, आपका यहां पे क्या है 12 के अंदर भाग देंगे। किसके अंदर देंगे दोस्तों, 12 के अंदर भाग देना है। हम यहां पर 12 पे भाग देते हैं, अपने पास बराबर बराबर चला जाता है, शेषफल 0 बचता है, आगे हम भाग नहीं दे पाते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं केवल 2 बार ही भाग देंगे। कितनी बार दोस्तों, केवल 2 बार ही अपने को भाग देना, क्योंकि 3 बार देंगे, 4 × 3 = 12, शेषफल 0 हो गया, आगे हमारे भाग क्रिया नहीं हो पाती है, इसलिए हम 2 बार ही देते हैं। उसके बाद अपने पास यहां पे देखिए, इसमें 12 है, 12 में 4 का 2 बार भाग दिया,
ये 8 और 4 बच गया। 4 को मैं यहां लिख देता हूं और अपना नया भाज्य हो जाएगा आपका 43 माइनस इस 2 और 2 को गुणा करना है और बाकी निकालना है। ठीक है दोस्तों, 43 माइनस 4 बराबर 39। ठीक है, इस 39 के अंदर हम 4 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे? इस 4 का। और इसमें 39 में 4 का भाग देते हैं तो आपके पास 9 बार जाता। कितनी बार? 9 बार। ये आपका 3 बच गया। ठीक है दोस्तों, ये आपका 9 हो गया। ठीक है, शेष फल आपके कितने बचा? यहां पर 3 बचा। इस 3 को हम दोस्तों, ये अपने पास 34 हो गए। हम नया भाज्य ज्ञात करते हैं। ठीक है, नया भाज्य तो अपने पास 34 माइनस ये 9 है और ये 2 है, दोनों का गुणा हम इसमें से घटाएंगे। अपने पास क्या आया? 34 माइनस 18 यानी कि आपके पास यहाँ से उधार गया 14, 14 में आ गया 6, यहाँ उधार दिया 2, 2 में से 1 गया तो 1, ये आपके पास यहाँ पे 16 बच गया। 16 जो है आपका इस 42 से छोटा है, इसलिए आपका भागफल तो भागफल 29 और शेष फल आपका जो है वो 16 हो गया। ठीक है दोस्तों अपना ये सवाल है, इसमें हम क्या करते हैं, 3 कॉलम बना लेते हैं इस प्रकार से और आपका इस प्रकार से ध्वजांक और मुख्यांक लिख लेते हैं। ध्वजांक में अपना 1 अंक है इसलिए हम इधर 1 अंक लिखेंगे, बाकी जो बचते हैं अंक आपके हम इसके अंदर लिख देते हैं इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, इस 8 का भाग इस 9 में देना है। एक बार जाएगा, ये देखिए ये 9 है, 9 में 8 का भाग दिया, एक बार एक शेष फल बचा, इसको हम यहां लिखते हैं और नया भाज्य ज्ञात करते हैं, या नया भाज्य या संशोधित भाज्य हम जिसे कहते हैं 18 माइनस। ठीक है दोस्तों, इस 1 और 7 को गुणा करना है, 1 गुणा 7 यानी 18 माइनस 7 बराबर आपका कितना हो गया, ये 11 हो गया। फिर 11 के अंदर, इस 11 के अंदर जो संशोधित भाज्य या नया भाज्य आया है इसके अंदर आपको 8 का भाग देना है। 8 का भाग देंगे 11 के अंदर, एक बार जाएगा, कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये एक बार जाता है, आपका शेष फल 3 बचता, कितना बचेगा, 3 शेष फल बचेगा, इसको हम यहां पे लिखेंगे। फिर हम नया भाज्य ज्ञात करेंगे, नया भाज्य, ठीक है दोस्तों, ये आपके पास 3 तो ये 7, ये 37 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस 1 और इस 7 को गुणा करना है, माइनस करना, 1 गुणा 7 बराबर आपके पास ये इसमें से 37 में 7 घटा लिए अपने पास 30 आ गया। इस 30 के अंदर हम इस 8 का भाग देते हैं, 30 के अंदर हम 8 का भाग देंगे तो अपने पास कितनी बार जाएगा, 3 बार जाता है। ये देखिए, मैं देख के दिखा देता हूं आपको, ये 8 का भाग, 8 3 24, 6 शेष फल बच गया आपके पास, कितना बचा, 6 शेष फल, इस 6 को मैं यहां पे लिखता हूं। ठीक है दोस्तों, 7 के आगे वाली संख्या। फिर हम नया भाज्य ज्ञात करेंगे, हर बार प्रक्रिया अपनानी है। यहां पर नया भाज्य ज्ञात किया आपका, ये तो गया 66, 6 तो ये और 6 ये, 66 माइनस। अब आपको इस 3 को इस 7 से गुणा करना है और माइनस करना, 3 गुणा 7 ये आपका 66 माइनस 21। ठीक है दोस्तों, यहां हम बात की निकालेंगे, 6 में से 1 गया तो ये 5 और 6 में से 2 गए तो ये 4। ये जो आपके पास 45 बच गए हैं इसके अंदर हम वापस भाग देंगे 8 का, ये समझ लिए, इस 8 का भाग देंगे तो आपके पास देखिए ये 45 है, इसमें 5 बार 8 2 5 40। ठीक है दोस्तों, ये आपके पास 5 बार भाग चला जाता है और शेष फल कितना बचा आपके पास, 5 बचा है, इसको हम यहां 5 लिख देते हैं। आप नया भाज्य ज्ञात करते हैं, ठीक है दोस्तों, नया भाज्य बराबर 55 है, 55 में से हमें क्या करना है,
इस सात और पांच का गुणा करना, सात गुणा पांच, ठीक है, 55 माइनस 35 बराबर आपके पास 20 बचा है, कितना बचा है 20 बचा, 20 जो इस भाग भाजक से कम है तो अपना ये क्या हो जाएगा, यहां शेषफल हो जाता है। इस प्रकार से अपना ये तो हो गया भागफल 1135 और शेषफल आपका 20 आ गया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से अपना सवाल हो गया। तो साथियों अपना थोड़ा बड़ा सवाल है लेकिन हम इसको करते हैं। यहाँ पे देखिए वही तीन कॉलम अपने को बनाने हैं। यहां आपका क्या है, इसको इस प्रकार से लिखता हूं मैं, यहां ध्वजांक आपका ध्वजांक 9 है और मुख्यांक आपका 87 रखा है, ठीक है दोस्तों। ये इस प्रकार से इधर आपके केवल एक अंक ही रहेगा, बाकी के अंक आपके इस कॉलम के अंदर मध्य खंड के अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। 87 का भाग लेना है। अब हमारे पास एक दो में नहीं आता, एक में हम 210 में 87 का भाग देते हैं, ठीक है, यानी कि लगभग 90 के पास है, 9 × 2 = 18 यानी 210 में भाग चला जाएगा। यहां दो बार भाग दिया, ठीक है दोस्तों। तो अपने पास ये 210 है, इसमें आप भाग देके देख लीजिए कि कितनी बार जाता है। ये दो बार जाएगा, 7 × 14 एक, 7 × 16 = 17 इस प्रकार से अपने पास शेषफल बच गया ये 6, 3 और 0, ठीक है दोस्तों। अपने पास शेषफल कितना बचा, 36। इस 36 को यहां पे लिखना है, यहां एक के आगे, और अपने पास नया भाज्य जो होगा, क्या होगा, नया भाज्य आपका 36 और शेषफल इसके आगे एक लिखा 361। इसमें से माइनस क्या करना है, इस 9 और 2 को आपका ध्वजांक और भागफल जो लिखा है उससे हमें गुणा करना है। क्या करना साथियों, 2 × 9 बराबर आपके पास 361 - 18। यहां बाकी निकालते हैं, उधार लेते हैं 11, 11 में 60, ये तो यहां फिर ये उधार लेते 5 में 5 में से 1 = 4 और अपना जो है ये 3, 343 हो गया, ठीक है दोस्त। इस 343 के अंदर हम 87 का भाग देते हैं, किसका भाग देंगे, 87 का भाग, आपका ये 343 है, इसमें हमें 87 का भाग देना है, तीन बार भाग चल जाएगा, कितनी बार जाएगा, तीन बार, 7 * 21 = 2 + 8 = 24 + 26 261 आपके पास 2 बज गए, 14 में 6 = 8 हो गए, यहाँ 0 हो गया। इस प्रकार से आपके पास शेषफल है जो 82 बच गया, ये 82 5 के आगे लिखते हैं। तो अपना नया भाज्य जो होगा, नया भाज्य आपका 82, ये शेषफल है और इसके आगे आपको 5 है, कितना है 5 माइनस इस 9 और 3 को गुणा करना है, 9 और 3 को गुणा किया इस आपके पास 825 माइनस 9 * 3 = 27 27 को इसमें से बाकी निकाल लेते हैं। जब हम बाकी निकालते हैं तो हमारे पास ये देखिए आपका यहाँ उधार लिया 15, 15 में 7 = 8 ठीक है दोस्तों। यहाँ एक उधार दे दिया 11 तो एक बचा, यहाँ उधार लेंगे 12, 12 में से उधार देगा, फिर 2 बचा आपके पास 11 में से 2 गए तो 9 और यहाँ आपके पास 798 यहाँ आपके पास 798 है, ठीक है दोस्तों। यहाँ 798 के अंदर आप क्या करेंगे, 87 का भाग देते हैं, यहाँ आपके पास 9 बार भाग चला जाएगा, कितनी बार भाग जाएगा, 9 बार आपका 9 में 7 = 63 6 और 9 में 8 = 72 6 = 78 यहाँ अपने पास शेष पल 15 बचा, 15 को इस 3 के आगे लिखते हैं और हम नया भाज्य ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, नया भाज्य ज्ञात करेंगे, अपने पास ये हो जाएगा 153, कितना हो गया 153 माइनस, अब आपके पास ये 9 है और ये 9 है, दोनों का गुणा घटाना अपने को, तो 153 यहाँ पे अपना जो है, यहाँ से 1, 2, 3 है, 3 में से 1 गया अपने पास 2
और 15 में 7 ये बेहतर। ठीक है दोस्त, ये आपके पास शेषफल बेहतर रह गया। इस बेहतर में हम 87 का भाग देते हैं, आपके पास क्या होगा 0 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 0 बार, और 0 को इसमें से घटाएंगे तो अपने पास क्या आएगा शेषफल बेहतर हो जाएगा, और बेहतर को हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है दोस्त, और यहाँ पे अपने पास क्या रहेगा ये 722, 722 है जो आपके पास क्या है 879 से कम है। तो अपने पास शेषफल ये हो गया, ये आपका भागफल है ये वाला, और ये आपके पास क्या है शेष फल है। ठीक है, भागफल आपका 2390 और शेषफल आपका 722। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इससे पहले आगे साथियों, आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर हमें फॉलो करें।